हे फ्रेंड्स, अगर आप इजिप्शियन माइथोलॉजी को थोड़ा भी जानते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि इजिप्शियन माइथोलॉजी में फैरो टाइटल एक किंग के लिए यूज किया जाता था, जो कि नेमिज नाम की हेडड्रेस, एक फॉल्स बियर्ड ऑर्नामेंट और एक ऑर्नेट शेंडेड यानी स्कर्ट पहनता था। इन सब सिंबल्स के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फैरो टाइटल एक किंग यानी एक मेल पर्सन के लिए यूज किया जाता था, पर आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने एक फीमेल होने के बावजूद सेकंड फीमेल फैरो का टाइटल रिसीव किया, जिनका नाम है हाटशेपसुत। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाटशेपसुत 18th डायनेस्टी के किंग टुतमोस फर्स्ट और उनकी वाइफ अहमोज की सबसे बड़ी बेटी थी, जिनकी मैरिज उनके हाफ ब्रदर टुतमोस टू से हुई थी। हाटशेपसुत इजिप्ट की 18th डायनेस्टी की पांचवी फैरो थी, जिनके नाम का मतलब है फॉरमोस्ट ऑफ ऑल नोबल लेडीज यानी महान महिलाओं में सबसे अग्रणी। वैसे तो हाटशेपसुत से पहले और बाद में बहुत सी फीमेल फैरोज हुई, पर सिर्फ इनका पावर में आना इसलिए नोटवर्थी था क्योंकि इन्होंने अपनी ब्लड लाइन एजुकेशन और रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग का इजिप्ट के डेवलपमेंट और अपने शासन को बेहतर बनाने में जबरदस्त इस्तेमाल किया। हाटशेपसुत की सक्सेस के एक एसेंशियल एलिमेंट थे वो ग्रुप ऑफ लॉयल ऑफिशियल्स, जिनमें से मैक्सिमम को हाटशेपसुत ने खुद सिलेक्ट किया हुआ था। इन सब में मोस्ट प्रोमिनेंट थे सेनन्मुत, जो सारे शाही काम का हिसाब रखते थे। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना था कि शायद हाटशेपसुत और सेनन्मुत लवर्स थे, पर उनके इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। इजिप्टोलॉजिस्ट के द्वारा हाटशेपसुत को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फैरोज में गिना जाता है, जिन्होंने इंडिजीनियस इजिप्शियन डायनेस्टी की किसी भी अदर फीमेल क्वीन से ज्यादा समय तक शासन किया। टुतमोस III के बड़े होने तक हाटशेपसुत ने ही गद्दी को संभाला, क्योंकि ताजपोशी के समय टुतमोस III महज 2 या 3 साल का था। टुतमोस III हाटशेपसुत का बेटा नहीं था, हाटशेपसुत की सिर्फ एक बेटी थी नेफ्रुवर, जिसके बाद उसके और कोई संतान नहीं हुई। टुतमोस III सिर्फ उसका स्टेपसन था। टुतमोस II की डेथ के बाद हाटशेपसुत को फैरो बनाया गया, क्योंकि टुतमोस III के लिए इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े साम्राज्यों को संभालना मुश्किल था। पर कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स, नियर बाय किंग्स और प्रजा के लोग एक फीमेल को एज अ फैरो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया। यहाँ हाटशेपसुत ने अपनी नॉलेज ऑफ रिलीजन और इम्पेकेबल ब्लड लाइन का यूज किया, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली की डॉटर, सिस्टर और एक किंग की वाइफ थी। उन्होंने ये डिक्लेयर करवाया कि वो गॉड आमुन की बेटी है, क्योंकि उनके बर्थ के समय गॉड आमुन ने उनकी मदर अहमोस पर अपनी ब्लेसिंग शावर्स की थी। इतना सुनना ही था कि सबके ऑब्जेक्शंस खत्म हो गए। एज अ फैरो हाटशेपसुत ने एम्बिशियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, पर्टिकुलरली थेबिस में। उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी एनॉर्मस मेमोरियल टेम्पल एट देल अल बहरी, जिसे एंशियंट इजिप्ट में वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर वंडर्स में गिना जाता है। उनके शासन में उनकी दूसरी ग्रेट अचीवमेंट थी अ ट्रेडिंग एक्सपीडिशन टू पुंत, जिसे आज शायद एरिटीरिया के नाम से जानते हैं। इस ट्रेडिंग एक्सपीडिशन से हाटशेपसुत ने इजिप्ट की धरती को वास्ट रिचेस का गिफ्ट दिया, जो थे आइवरी, इबोनी, गोल्ड, लेपर्ड स्किन्स, इंसेंस एंड मार्बल्स। इतना ही नहीं, क्योंकि हाटशेपसुत एक प्रोलिफिक बिल्डर थी, उसने बहुत से मोनूमेंट्स को बनाया और रिस्टोर किया, जैसे कि प्रिसिंक्ट ऑफ मुत की रिस्टोरेशन, जो कि एंशियंट ग्रेट गॉडेस ऑफ इजिप्ट का था, जिसे फॉरेन रूलर्स ने हाइक्सोस ऑक्यूपेशन के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाटशेपसुत ने पुंत से अपने एक्सपीडिशन के दौरान 31 लाइव मीट्रीज लाए, ये उनका फर्स्ट रिकॉर्डेड अटेम्प्ट था फॉरेन ट्रीज को ट्रांसप्लांट करने का। उन्होंने इन ट्रीज को मोचरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में लगाया। यही नहीं, इजिप्शियन कल्चर में मोस्टली यूज किया जाने वाला आईलाइनर का जनक भी हाटशेपसुत को ही माना जाता है। उन्होंने एक खास रेजिन फ्रैंक इंसेंस को कोल के साथ जलाकर इसे तैयार किया था। आज यही आईलाइनर इजिप्शियन कल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाटशेपसुत ये बात अच्छी तरह से समझती थी कि उसके शासन के दौरान भले ही लोग उसके डर से उसके फैरो होने का विरोध ना करें, पर उसकी डेथ के बाद जरूर करेंगे। इसलिए उसने खुद को मोनूमेंट, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स में एज अ मेल फैरो रिप्रेजेंट किया, और शायद इसी कारण से हाटशेपसुत 19th सेंचुरी तक स्कॉलर्स के बीच अनोन रही। हाटशेपसुत का शासन शांतमय था। इतिहास में उनके शासन के दौरान किसी लड़ाई या हमले का ब्यौरा नहीं मिलता। उनके शासन काल में इजिप्ट के अदर कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग
ट्रेडिंग रिलेशन सुधरे और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी ह्यूज सक्सेस गेन की। बट कुछ फैक्ट्स एंड थ्योरीज के अनुसार हाटशेपसुत की डेथ के बाद उनकी आइडेंटिटी और अचीवमेंट्स को छुपाने की कोशिश की गई। उनके मोनूमेंट, स्टोन इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में दी गई उनकी डिटेल्स को भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे टूथमोस 3 की वेंजेंस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि टूथमोस 3 चाहता था कि जब भी इजिप्ट के इतिहास को कोई जाने उसमें सिर्फ टूथमोस 1 से लेकर टूथमोस 3 की चर्चा हो। वो नहीं चाहता था कि इजिप्ट के इतिहास में किसी भी फीमेल को एज अ फैरो याद किया जाए। खैर, राजमहल चाहे ग्रीक माइथो के हो या इजिप्शियन के, हमेशा से ही किसी न किसी वेंजेंस या कंस्पिरेसी का शिकार रहे हैं। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे समय में जब औरतों को सिर्फ वंश चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और कुछ नहीं, इतने बड़े लेवल पर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना और सेकंड फीमेल फैरो का टाइटल रिसीव करना, ये सच में अमेजिंग है। फ्रेंड्स, आपको हाटशेपसुत का कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर, जिसमें मैंने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के मिस्टीरियस होने के 5 मेन रीजंस को डिस्कस किया है। तब तक के लिए गुड बाय एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।